तो हे गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग भाई पाकिस्तानी और इंडियन कार्स को इस रैंप से नीचे लेकर जाएंगे और देखेंगे कि भाई किस कंट्री की जो गाड़ी है वो सर्वाइव करती है। और ये है रैंप आपके सामने, बहुत ही डेंजरस तरह का रैंप है। और भाई जीतने वाली कंट्री जो है वो उसको इनाम भी उतना ही तगड़ा मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हो भाई, $500 मिलियन पड़े हैं आपके सामने। और जो कंट्री जीतेगी भाई ये इनाम उसको मिलेगा। बॉक्सेस में आप लोग नोट देख सकते हो यार, 90 नोट है बिल्कुल। और ये आज की इस रेस में जीतने वाली कंट्री को भाई इनाम मिलेगा जो जीतेगा। और ये रैंप आप लोग भाई देख सकते हो सामने है बिल्कुल इसके। और ऊपर से हम लोग ये बैठते हैं पाकिस्तान की गाड़ी में, सुजुकी आल्टो हम लोग लेते हैं पहले नंबर पर। और इसको नीचे लेकर जाते हैं भाई, देखते हैं कि क्या ये गाड़ी सर्वाइव करती है कि नहीं। और रैंप भाई आप देख सकते हो यार, बहुत ही डेंजरस तरह का रैंप है। और गाड़ी कोई भी नहीं ऐसी जो इसमें सही तरीके से नीचे चली जाए बगैर टूटे। देख सकते हो आप भाई, सुजुकी आल्टो अभी तक तो सही जा रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आगे जो है वो आगे वाला हिस्सा टूट चुका है अभी यहाँ पर। और हमारी गाड़ी यहाँ तक तो सही जा रही है, छोटी गाड़ी है इसलिए ज़्यादा जो है वो नहीं फिसल रही इधर उधर। और ये हमारी जो भाई पाकिस्तानी गाड़ी है पहली, वो नीचे आ चुकी है। सुजुकी आल्टो हमने ली थी पहले नंबर पर। और अब हम लोग यहाँ से लेते हैं इंडिया की गाड़ी, SUV है ये। और ये है भाई टाटा पंच। और देखते हैं कि क्या ये गाड़ी नीचे जा सकती है सही तरीके से कि नहीं। और भाई बहुत उड़ रही है गाड़ी हवा में। और ये लैंड हुई और इसके बाद दोबारा हवा में। और यार देखते हैं कि क्या ये गाड़ी सही तरीके से नीचे जा पाती है कि नहीं। रैम जो है वो बहुत ही डेंजरस तरह का है। और ये फाइनल भाई पहुँचने वाली हमारी गाड़ी टाटा पंच, और ये नीचे पहुँच गई है। और इसको भी हम लोग भाई उसके साथ ही खड़े लगा देंगे लाइन में, पाकिस्तानी गाड़ी के साथ। और अब हम लोग लेते हैं भाई पाकिस्तान की साइड से टोयोटा करोला। और इसको हम लोग नीचे लेकर जाते हैं इस ख़तरनाक रैंप से। और ये भाई हवा में उड़ रही है बहुत ही ज़्यादा। और ये नीचे आई, टूट फूट तो अभी तक इसकी कम है लेकिन अभी काफ़ी रैंप पड़ा है। ये भाई बहुत ज़्यादा टूटी है यहाँ पर गिरने से। और आगे वाला जो हिस्सा है वो उतर कर नीचे गिर गया। और ये दोबारा हवा में नीचे लगेगी दोबारा। और ये हमारी पाकिस्तानी जो है टोयोटा करोला वो भी पहुंच गई है। दो गाड़ियाँ पाकिस्तान की नीचे आ गई हैं और एक इंडिया की आ गई है। और हम लोग ये लेते हैं इंडिया की SUV और इसको लेकर जाते हैं भाई। ये है महिंद्रा की और फुल स्पीड से भगाएंगे इसको। और ये है हवा में फुल हमारी गाड़ी। वाह, इंडिया की गाड़ियाँ जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इसमें और बहुत ज़्यादा मजबूत भी हैं, जिस तरह से ये वाली महिंद्रा की जा रही है अभी। और ये हवा में गई हमारी गाड़ी। वाह, इस गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया यार। और अब वाह यार, इतने मतलब डैमेज हमने बचाया लेकिन फिर भी इस गाड़ी का डैमेज हो ही गया नीचे आते तक। और ये हमारी दो इंडिया की भाई गाड़ी पहुँच चुकी है। अब हम लोग लेते हैं भाई पाकिस्तान की तरफ से एक गाड़ी, टोयोटा लैंड क्रूज़र। पाकिस्तान की भाई बहुत महंगी गाड़ी है ये। और इसको हम लोग अब नीचे लेकर जाते हैं। और इसका भाई नुकसान जो भी होगा बहुत महंगा होगा भाई, क्योंकि बहुत ही महंगी गाड़ी है। और ये हवा में अभी है, लैंड हुई है नीचे और दोबारा हवा में गई। देखते हैं भाई ये गाड़ी कैसे सर्वाइव करती है। लग गई है बहुत बुरी तरीके से। अब इस गाड़ी के सर्वाइव करने के चांस बहुत कम है। पहले तो सही जा रही थी लेकिन अब सारी खुल गई है ऊपर ही। तो इसे सीधा कर लेते हैं भाई, उल्टा होने वाली है लेकिन हम लोगों ने सीधा कर लिया। आगे से आप लोग देख सकते हो, पीछे से भी यार बिल्कुल हर चीज़ टूट गई है, बम्पर वगैरह इसके। लेकिन फिर भी हम लोग इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोबारा उल्टी है भाई। वो ऊपर से देखो आप लोग यार, बिल्कुल इसकी तो डैमेज फुल हो गई है। जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही गाड़ी नहीं परफॉर्म कर पाई। हम लोग समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा मजबूत होगी लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है गाड़ी को। तीन गाड़ी पाकिस्तान की आ गई, चौथी हम लोग जो है तीसरी गाड़ी इंडिया की हम लोग लेते हैं, सुजुकी वैगनआर। और देखते हैं कि भाई क्या हमारी ये गाड़ी सर्वाइव कर पाती है कि नहीं। लेकिन यार अभी तक इंडिया की गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाई हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा। और देखते हैं भाई, सुजुकी वैगनआर जो है हमारी नई, क्या ये खुल गई है यहाँ पर फुल। लेकिन फिर भी हम लोग इसको नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा इसको स्पीड को बैलेंस रख के जंप लगाते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से जंप लिया इसने और यहाँ पर ये पहुँच गई है नीचे, लेकिन सीधी हो गई है भाई, उल्टी होने वाली थी। और हमारी तीन गाड़ियाँ भाई इंडिया की पहुँच चुकी हैं। और यहाँ तक इंडिया की गाड़ियों की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान की भाई लास्ट गाड़ी टोयोटा हाइलक्स,
और देखते हैं भाई, पाकिस्तान की ये गाड़ी बहुत ख़तरनाक है यार, और इसको फुल जंप लगाते हैं इस ख़तरनाक रैंप से। और यार ये उल्टी हो गई है भाई, ये मुझे मुझे लग रहा है कि ये बाहर ना चली जाए, क्योंकि अगर कोई गाड़ी बाहर चली जाती तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगी। और ये नीचे गिर गई है भाई रैंप के, और डिसक्वालीफाई होगी गाड़ी, क्योंकि सही से इसका डैमेज जो है वो चेक ही नहीं हो पाया इस रैंप से, आधे रैंप से नीचे गिर गई थी। यहाँ पर इंडिया की लास्ट गाड़ी है भाई होंडा सिटी नए वाली, और अब हम लोग इसको भाई फुल स्पीड से दौड़ाते हैं और नीचे फेंकते हैं भाई इस रैंप से, देखते हैं कि क्या ये गाड़ी सर्वाइव करती है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया चल रही है यहाँ तक की गाड़ी, और आई होप कि ये गाड़ी भी रैंप पे ही रहे, नीचे ना गिरे, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। पाकिस्तान की तो एक गाड़ी गाड़ी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई लास्ट वाली, टोयोटा हाइलक्स, लेकिन इंडिया की होंडा सिटी भाई अभी रैंप पे ही है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। लेकिन पीछे से आप लोग यार देख सकते हो, फुल टूट गया इसका पीछे वाला जो बम्पर होता है, और ये लैंड करके नीचे। इंडिया की भी चार गाड़ियाँ फुल आ गई नीचे, और पाकिस्तान की भी गाड़ियाँ भाई नीचे आ गई हैं। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर खड़ी करके गाड़ी को यहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं गाड़ी से। और भाई देखो कंडीशन वाइज तो देखो यार, पाकिस्तान की गाड़ी की कंडीशन बहुत ख़राब हुई है, और एक गाड़ी जो है वो डिस्क्वालीफाई भी हो गई है, और वहीं पर इंडिया की सभी गाड़ियाँ सही तरीके से नीचे आई हैं और कोई भी गाड़ी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई है। तो इस भाई कंपैरिजन में जो विनर कंट्री है वो इंडिया ही है। इंडिया भाई कंट्री ने 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो विन कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो थी यार इंडिया को, भाई आप लोग अगर इंडिया से हो तो आप सबको बधाई हो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब गाइस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।